थाना परसवाड़ा अंतर्गत वनांचल ग्राम लोटमारा में तालाब में नहाने गए दो बच्चों की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक बालिका का नाम अंचल यादव, पिता राजेंद्र यादव उम्र 9 वर्ष तथा मृतक बालक पीयूष यादव, पिता दिनेश यादव उम्र 8 वर्ष निवासी लोटमारा बताया जा रहा है। मृतकों के परिजन चरणलाल यादव ने बताया कि रोजाना की तरह ही कुछ ग्राम के तकरीबन 5 बच्चे तालाब में नहाने के लिए ग्राम के उत्तर दिशा में बने शिकारी टाकी तालाब में नहाने गए हुए थे। तालाब में नहाने के दौरान नहाते नहाते ही एक बालक और एक बालिका पीयूष और अंचल गहरे पानी में चले गए जिससे डूब कर उनकी मौत हो गई। तालाब में नहाने गए तीन बच्चों में पीयूष के छोटे भाई ने घर जाकर बताया कि उसका भाई पीयूष और अंचल तालाब में खेलते हुए डूब गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने स्वयं गहरे तालाब में उतरकर दोनों बालक बालिकाओं को बाहर निकाला। उक्त घटना की सूचना ग्राम के कोटवार ने तहसीलदार नितिन चौधरी को दी, जहां से पुलिस को सूचना मिली। सूचना से मौके पर पहुंची परसवाड़ा पुलिस टीम ने पंचनामा कार्यवाही करते हुए मर्ग कायम किया, जिसके पश्चात दोनों बालक बालिकाओं के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा लाया गया, जहाँ देर शाम पोस्टमार्टम के पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों बालक बालिका एक ही परिवार के दो अलग अलग भाइयों की संतानें थीं। मतलब पता चला जानकारी सर कि इनके पूरे परिवार के 8-10 लड़के रोज प्रतिदिन नहाने जाते थे वहाँ। ये मेरे को जानकारी लगी सर वहाँ से। और माँ बाप कोई बच्चे तो खेलने जाते, क्योंकि ये सोच पे लग गए वो लोग, वो प्रतिदिन आते थे कहते नहाने के लिए वहाँ। दोनों एक ही परिवार के? हाँ, परिवार भाई भाई के लड़के हैं, पूरे एक ही परिवार के, खानदान के। मतलब तो गाय बैल चराने खेत तरफ लेके गया था, तो ये भजनलाल के खेत में शायद गाय बैल अलसी के खेत में चले गया हूँ। तो भजनलाल जो है उसके साथ कि मेरे खेत में गाय बैल थे आकर के नुकसान कर गए, इस बात को लेकर के आकर के उसका मारपीट किया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। अभी जांच में लेकर अग्रिम विवेचना की जा रही है। इनके परिजन लोगों ने जो है डेड बॉडी को निकाल लिया और पुलिस पहुँच करके पंचनामा वगैरह बना करके पीएम के लिए जो है अस्पताल लिया है। पीएम भी हो गया और डेड बॉडी रवाना भी कर दिया है और आगे मर्ग कायम करके जांच में दिया गया। जांच की कार्रवाई चल रही है।